प्यारे बच्चों, आज हम पांचवी कक्षा के हिंदी पाठ्य पुस्तक से चौथा पाठ त्योहारों का देश हमारा पढ़ेंगे। यह एक कविता है। आओ बच्चों, हम शुरू करते हैं। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। बच्चों, इन पंक्तियों में बताया गया है कि हमारे देश की मिट्टी का कणकण प्रसन्नता से भरा है और यहाँ रस की धारा उमड़ रही है। भावार्थ यह है कि हमारे देश में प्रत्येक व्यक्ति के दिल में खुशियां भरी हुई हैं, वह उत्साह और उमंग से भरा हुआ है और हर एक के दिलों में दूसरों के लिए प्यार और सम्मान है। ऐसा हमारा भारत देश है जो त्योहारों का देश है और हम सबको इससे बहुत प्यार है। यहाँ पर शब्दों के अर्थ देख लीजिए। हुलसना, हुलसना है प्रसन्न होना, उमड़ना, उफान मारना, रसधार, रस की धारा, और मन भावन, यानी ये आगे देखें, मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है। राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। घर बाहर झूले ही झूले गाते राग मल्हार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। अर्थात जैसे ही सावन का महीना आता है, वह सबके लिए खुशियां और खुशियां लेकर आता है। सब तरफ धरती पर हरियाली छा जाती है, हरियाली की चादर भीग जाती है। राखी के त्योहार पर भी इस महीने में राखी का त्योहार आता है और भाई बहन के प्यार का प्रतीक है ये त्योहार। इस त्योहार पर बहिने अपने भाई को राखी बांधकर बहुत खुश होती हैं। सावन में पेड़ों पर लगे झूलों पर झूलती हुई ललनाएं वर्षा ऋतु का गीत गाती हुई अपनी खुशियां प्रकट करती हैं। और उमंग भरे त्योहारों के हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। शब्दार्थ देखिए बच्चों, मन भावन होता है मन को प्रसन्न करने वाला, और फूली नहीं समाती यानी फूला नहीं समाना, इसका अर्थ होता है बहुत खुश होना। राग, राग क्या होता है? गीत, सॉन्ग। मल्हार, मल्हार होता है वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला एक राग, यानी कि वर्षा ऋतु में हरियाली छा जाती है और राखी के त्योहार पर सभी प्रसन्न होते हैं। आजादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है। वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। इसमें कवि कहता है कि स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी भारतीय हर घर और हर जगह तिरंगा झंडा फहराते हैं और आजादी का पर्व मनाते हैं। यह दिवस हमें देश की खातिर शहीद हुए लोगों की गाथाओं की याद दिलाता है। उनके बलिदान की वीरतापूर्ण कहानियां सुनकर हमारा मन श्रद्धा से भर जाता है। हम सभी भारत माता की जय जयकार कर प्रसन्नता का अनुभव करते हैं। और हमारा देश भारत त्योहारों का देश है और हमें इससे बहुत प्यार है। यहाँ शब्दों के अर्थ देखिए। तिरंगा, तिरंगा हमारा राष्ट्र ध्वज है, तिरंगा झंडा जिसमें तीन रंग है। शहीद, शहीद होते हैं बलिदान होने वाले, जो मातृभूमि के लिए रक्षा करते करते अपना जीवन कुर्बान कर देते हैं। गाथाएं यानी कहानियां, स्टोरीज। आता है हर वर्ष दशहरा, होते खेल तमाशे हैं। दिवाली पर दीप दान फूल झड़ियां खिल बतासे हैं। धूम धड़ाके और पटाखों की कैसी भरमार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है, हमको इससे प्यार है। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि वर्षा ऋतु आने के बाद अश्विन माह में प्रतिवर्ष
विजयदशमी और दशहरे का पर्व आता है। इस दिन कई खेल तमाशे होते हैं। दीपावली का त्योहार लोगों के जीवन को उत्साह और उमंग से भरता है। इस पर्व पर सब जगह दीपक जलाकर रोशनी की जाती है, मिठाइयां बांटी जाती है, विभिन्न प्रकार की आतिशबाजी और पटाखे चलाकर खुशियां मनाई जाती है। धूम धड़ाकों की इन आवाजों से दिलों में खुशियों का संचार होता है। ऐसे त्योहारों से परिपूर्ण हमारे देश से हमें बहुत प्यार है। शब्दार्थ देखिए बच्चों, दीपदान, दीपदान यानी दीपक जलाना। फुलझड़ियां आतिशबाजी का एक प्रकार है, जिससे वो एक लंबी डंडी होती है और जिसको जलाने से उसमें सितारे से निकलते हुए लगते हैं। भरमार, भरमार यानी बहुत सारा। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती है, मीठी मीठी खीर सेवैयां सबके मन को भाती है। बच्चों, आपस में भाईचारे का संदेश देता हुआ ईद का पर्व आता है। इस दिन लोग अपने घरों में विशेष रूप से खीर और सेवैयां बनाते हैं जो सबको अच्छी लगती हैं। सब लोग आपस में गले मिलकर मुबारक करते हैं। यह त्योहार आपसी भाईचारे को बढ़ाने वाला है। भाईचारा यानी कि भाइयों की तरह रहना, संदेशा यानी कि संदेश, मुबारक, मुबारक यानी शुभ, सिवैया यानी आटे से बना हुआ जैसे मैगी की तरह का होता है ये पदार्थ, और मन को भाना अच्छा लगना, मन को भाना अच्छा लगना। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। इसके बाद आता है क्रिसमस का त्योहार। बच्चों को बड़ों से तथा सांता से उपहार में खेल खिलौने मिलते हैं। सब लोग इस त्योहार पर बहुत प्रसन्न होते हैं। त्योहारों के ऐसे भारत देश से हमें बहुत प्यार है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ईसा मसीह के जन्म के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार है और उपहार होती है भेंट। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है, होली में डप ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। 26 जनवरी को हमारे लोकतंत्र का उत्सव, गणतंत्र दिवस, राष्ट्रीय पर्व के रूप में अत्यंत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। वसंत ऋतु में सारी प्रकृति अपना श्रृंगार करती है, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उनकी खुशबू से वातावरण महक उठता है। फाल्गुन माह में होली का त्योहार आता है। रंगों के इस त्योहार में हर तरफ मस्ती का माहौल रहता है। ढप ढोल मंजीरे के साथ लोग नाचते गाते हैं, एक दूसरे के रंग गुलाल लगाकर गले मिलते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है, इससे हमें बहुत प्यार है। इसके भी कठिन शब्दार्थ देख लीजिए। लोकतंत्र, लोकतंत्र जहां जनता का शासन होता है। 26 जनवरी भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन बासंती फूल बसंत ऋतु में खिलने वाले फूल होते हैं, और झोली भर जाना होता है, वातावरण में फैल जाना। डफ होता है चमड़े से मंडा हुआ एक गोलाकार वाद्य यंत्र होता है। रंगों की बौछार रंग बिरंगा वातावरण। मंजीरे धातु से बने एक प्लेट नुमा वाद्य यंत्र होता है ये। अच्छा बच्चों, आपने इस कविता को पढ़ा, इसके शब्दार्थ भी पढ़े। अब इस कविता के सरलार्थ को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और कविता को याद कर लेंगे।